जीके किड्स। पारुल की आइसक्रीम। स्कूल से छुट्टी होते ही पारुल दौड़कर आइसक्रीम वाले के पास पहुंच गई। पारुल, भैया जल्दी से चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम लेकर पारुल जल्दी से सामने खड़ी अपनी स्कूल बस में बैठ जाती है। तभी उसकी सहेली मुस्कान उसके पास आती है। मुस्कान, पारुल तू रोज आइसक्रीम खाती है, तेरे दांत खराब हो जाएंगे। मेरी मम्मी तो मुझे आइसक्रीम के लिए पैसे ही नहीं देती। पारुल, तुझे पता है मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। आइसक्रीम के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं है कि मैं आइसक्रीम खाती हूँ, लेकिन अगर वो मुझे रोकेंगे तो मैं खाना खाना छोड़ दूंगी, लेकिन आइसक्रीम नहीं छोड़ सकती। मुस्कान चुप रह जाती है। पारुल आइसक्रीम खाकर उसकी डंडी को बाहर फेंक देती है। कुछ ही देर में बाकी बच्चे भी बस पे आ जाते हैं। बस सब बच्चों को छोड़ती हुई पारुल के घर पहुंच जाती है। पारुल और मुस्कान दोनों उतर जाती है। मुस्कान पारुल के घर के पास ही रहती थी। घर आकर पारुल की मम्मी शकुंतला जी उसे खाना परोस कर देती है, लेकिन वह खाने को मना कर देती है, क्योंकि अभी अभी जो चॉकलेट आइसक्रीम का स्वाद उसकी जुबान पर था वह उसे खराब नहीं करना चाहती थी। पारुल हर दिन आइसक्रीम खाने के लिए बेचैन रहती थी। एक दिन वह स्कूल के लंच टाइम में स्कूल गेट के पास आई। उसने देखा कि आइसक्रीम वाला खड़ा है। पारुल, भैया एक आइसक्रीम देना। गेट बंद था, फिर भी पारुल साइड की रेलिंग से आइसक्रीम ले लेती है। वह आइसक्रीम खाती है और अपना लंच कूड़े के डिब्बे में फेंक देती है। टिफिन को बैग में रख लेती है। छुट्टी के समय वह फिर से आइसक्रीम ले लेती है। मुस्कान, दोपहर को ही तूने आइसक्रीम खाई थी, अब फिर से आइसक्रीम खाने लगी। पारुल, मेरा बहुत मन करता है कि हमेशा आइसक्रीम खाती रहो। मुस्कान उसे बहुत समझाती है, लेकिन पारुल नहीं मानती। अब यह उसका रोज का काम हो जाता है। वह खाने की जगह आइसक्रीम से पेट भर लेती थी। दिन में आइसक्रीम खाने के बाद वह रात को थोड़ा सा खाना खाती, फिर पापा से आइसक्रीम की जिद करती। उसके पिता रवि जी उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे। इसी तरह कई महीने बीत गए। धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देती है और आइसक्रीम खाने में लगी रहती है। अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। धीरे धीरे पारुल की सेहत खराब होने लगती है। उसके मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि आपकी बेटी ने खाना खाना बंद कर दिया है। पारुल के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। पारुल, डॉक्टर साहब कहीं से मुझे आइसक्रीम मंगा दीजिए प्लीज। डॉक्टर बच्चा समझकर उसके लिए आइसक्रीम मंगा देते हैं। आइसक्रीम खाते ही उसका दर्द ठीक हो जाता है। डॉक्टर, बेटा ऐसा कब से हो रहा है? पारुल, डॉक्टर अगर मुझे आइसक्रीम ना मिले तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। डॉक्टर शकुंतला जी और रवि को सारी बात बताते हैं। डॉक्टर आपकी बेटी को आइसक्रीम की लत लग गई है। इसका लीवर इतना कमजोर हो गया है कि किसी और चीज को वो पचा ही नहीं पा रहा है। यह सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। रवि, लेकिन डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है? डॉक्टर, बच्चे का मन जब तक आइसक्रीम से नहीं हटेगा तब तक वह कुछ और नहीं खाएगा। उसका शरीर भी अब आइसक्रीम मांगने लगा है, यह सब उसे खुद छोड़ना होगा। शकुंतला जी, लेकिन कैसे, वह तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। डॉक्टर एक काम कीजिए, एक जगह है, आप उसे वहाँ घुमाने ले जाइए। डॉक्टर की बात सुनकर रवि और शकुंतला पारुल को लेकर एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। वहां पारुल को वे आइसक्रीम बनाने का तरीका दिखाते हैं। बहुत ही गंदी जगह थी, चारों ओर मच्छर मक्खी थे। गंदे से पानी से आइसक्रीम तैयार की जा रही थी। जिस दूध से आइसक्रीम बन रही थी उसमें कई मक्खियां पड़ी थी। यह सब देखकर पारुल का दिमाग खराब हो गया। तभी वहां एक कर्मचारी आइसक्रीम लेकर आया और पारुल को देने लगा।
पारुल, छी अंकल, कितने गंदे तरीके से आइसक्रीम बना रहे हो। कितने बच्चे इसे खाकर बीमार पड़ रहे होंगे। मेरे स्कूल के बाहर भी आप ही के इनाम वाली आइसक्रीम बिकती है। मैं खुद बीमार हो गई। यह कहकर पारुल आइसक्रीम फेंक देती है। रवि और शकुंतला बहुत खुश होते हैं। तभी कुछ देर में फूड डिपार्टमेंट के लोग वहाँ छापा मारने आ जाते हैं। वह फैक्ट्री को सील कर देते हैं और उसके मालिक को पकड़कर ले जाते हैं। रवि ने सब देखकर फोन कर दिया था। इंस्पेक्टर रवि जी, ये आइसक्रीम में एक ऐसा केमिकल मिलाते हैं जिससे बच्चों को इसकी लत लग जाती है और वो आइसक्रीम के बगैर रह ही नहीं पाते। पारुल, सर इन्हें बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर, बेटा ये बहुत बड़ा क्राइम है। सजा तो इन्हें बहुत बड़ी ही मिलेगी। इसके बाद पारुल ने कभी आइसक्रीम नहीं खाई। उसका बहुत दिनों तक इलाज चला। इसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो गई। धन्यवाद।